नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन का विधान है, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये दिन देवी महागौरी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए 9 कन्याओं के पूजन का विधान है, और ऐसा माना जाता है कि जाप और दान से देवी इतनी खुश नहीं होती जितनी कन्या पूजन से खुश होती हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे काम बताएंगे जो नवरात्रि के 8वें दिन करना है। दोस्तों, देवी माँ को खुश करने के लिए किसी भी मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के सामने कमल के फूल अर्पित करें। इसके साथ साथ घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है, और इससे माँ दुर्गा खुश होकर आपको शुभ फल देती हैं। इसके अलावा 9 कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका पूजन करें, उन्हें खीर खिलाएं और साथ में दक्षिणा भी दें। माता के मंदिर में जाकर फलों का भोग लगाएं और माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा नवरात्रि के 8वें दिन रात को 12 बजे के बाद मेन दरवाजे पर दाएं और बाएं तरफ शुद्ध देसी घी के 2 दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर परिवार पर आने वाले सभी संकटों का नाश होता है, और माँ दुर्गा की हमेशा कृपा बनी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।